हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, अभी फिल्म का कलेक्शन 723 करोड़ है और अब ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों में नंबर 8 पर है। ट्विटर पर मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या ये फिल्म 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। करीब 65% लोगों ने कहा था कि जी हाँ, ये फिल्म आराम से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। खैर, वो तो आने वाले टाइम पता चलेगा। लेकिन बात करें पठान की, तो पठान फिल्म ने दंगल के कलेक्शन को बीट कर दिया है और अभी ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में नंबर 1 पर है। जी हाँ, अगर हम चाइना के कलेक्शन को ऐड ना करें, तो चाइना के कलेक्शन को साइड कर दें, तो पठान फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 380 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 723 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो आप बताएं कि क्या पठान फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। एक और बड़ी खबर ये है कि थलापाटी 67 का टाइटल कंफर्म हो गया है। कल ही मुझे फिल्मी टॉक अपलोड करना था, लेकिन कल हमारे सलमान भाई ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए कोई वीडियो ही नहीं आई। खैर, थलापाटी 67 का टाइटल कंफर्म हो गया है और इस फिल्म का नाम होगा लियो। लियो का एक अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज किया गया है और ये अनाउंसमेंट वीडियो वैसा ही है जैसा विक्रम फिल्म को अनाउंस किया गया था। और कहना पड़ेगा कि यार, लोकेश कंगराज ने जिस तरह से लियो के टाइटल को अनाउंस किया है वो काफी अच्छा लगा। साथ ही विजय का लुक और बीजीएम भी काफी अच्छा है। और ये ब्लडी स्वीट। पर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है फिल्म की रिलीज डेट। भाई, लोकेश कंगराज की फिल्म है, थलापाटी विजय फिल्म के लीड रोल में है, तो मैं इस फिल्म का 2024 तक तो इंतजार नहीं कर सकता था। तो अच्छी बात यह है कि लियो फिल्म इसी साल 19 अक्टूबर को तमिल के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में भी रिलीज होगी। आप सबको लियो का ये टाइटल अनाउंसमेंट कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दुलकर सलमान की मच अवेटेड फिल्म किंग ऑफ कोठा का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप दुलकर सलमान को डैशिंग लुक में देख सकते हैं। किंग ऑफ कोठा एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जो इसी साल अगस्त में पैन इंडिया रिलीज होगी। काफी टाइम से खबर आ रही थी कि अजित कुमार की अगली फिल्म यानी कि AK-62 को विग्नेश सिवान डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अब विग्नेश सिवान AK-62 से बाहर हो गए हैं। तो अब अजित कुमार की अगली फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में AK-62 के डायरेक्टर की घोषणा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी AK-62 से जुड़ी कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। क्रिस पैड की एक्शन थ्रिलर सीरीज द टर्मिनलिस्ट का दूसरा सीजन आने वाला है। कब तक आएगा तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सीजन 2 की घोषणा हो गई है, तो बहुत जल्द द टर्मिनलिस्ट सीजन 2 से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट जरूर आएगी। कुछ दिनों पहले हमने आपको अपडेट किया था कि साल 2000 में रिलीज हुई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ग्लेडिएटर का दूसरा पार्ट आने वाला है, तो ग्लेडिएटर 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई। राडली स्कॉट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 22 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। दी मार्वल्स का फर्स्ट लुक 12 फरवरी को रिलीज होगा। MCU की ये फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की 33वीं फिल्म है जो 28 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। और फाइनली, काफी लंबे इंतजार के बाद अखिल अकनिनी के आने वाली फिल्म एजेंट की रिलीज डेट कंफर्म हो गई। सुरेंद्र रेड्डी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें अखिल अकनिनी के साथ मम्मूटी अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो एजेंट फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज होगी। Amazon Prime की एक फिल्म आने वाली है जिसे आनंद तिवारी डायरेक्ट करेंगे। आनंद तिवारी ने माधुरी दीक्षित की मजामा और विकी कौशल की लव पर स्क्वायर फुट फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो अब वो एक और फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें विकी कौशल के साथ एमी विर्क और तृप्ति दिमरी लीड रोल में नजर आएंगी। टाइटल अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है, तो ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। जनवरी के महीने में रिलीज हुई अजित कुमार की हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म थुनिवु की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। थुनिवु फिल्म तमिल भाषा में 8 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हिंदी डब का भी कंफर्म नहीं है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सोशल मीडिया पर बता देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
अला वैकुंता पुरामलु 4 फरवरी को हिंदी डब में यूट्यूब पर आने वाली थी, लेकिन गोल्ड माइंस ने अभी कुछ टाइम पहले अपडेट किया है कि अब ये फिल्म सिर्फ टीवी पर आएगी, और वो भी कल 5 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे और 18 फरवरी को रात 8 बजे। जी हाँ, अभी ये फिल्म YouTube पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सिंपल सी बात है कि अगर अला वैकुंता पुरामलु YouTube पर हिंदी में आ गई तो भाई शहजादा फिल्म कौन देखेगा? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी Facebook, WhatsApp, Twitter पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।